विद्युत धारा की दिशा में नीचे की ओर घुमाते हैं और कार के स्क्रू का हैंडल दक्षिणावर्त घूमता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिणावर्त में होगी। अतः जब विद्युत धारा ऊपर की ओर बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिवर्तित हो जाती है और वामावर्त हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार लूप से होने वाला विद्युत प्रवाह। आइए अब देखते हैं कि क्या होता है जब वो तार जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं वृत्ताकार ढंग से रखा जाता है। इसके चारों ओर संकेंद्रित वृत्तों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। छड़ चुंबक को धीरे से तार से दूर करने का प्रयास कीजिए। जैसे ही हम पाश के केंद्र तक पहुंचते